अंकल कल आओगे? नहीं यार, मैं तो 7 बजे तक, सुबह 10 से 7 बजे तक कम से कम 200 पेशेंट देखे हैं। 5 दिन 6 दिन इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ ना, मैं संडे को क्लोज कर दिया यार। हिम्मत नहीं, अच्छा, रोज 20-30 पॉजिटिव पेशेंट देख रहा हूँ कोरोना के। इतना कोरोना आ रहा है बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे तो फर्स्ट फ्लोर वाले को है तो। नहीं, लेकिन सब ठीक हो रहे हैं, किसी को भर्ती की जरूरत नहीं है। मैं तो अब तक 75 ठीक किए हैं बिना भर्ती के, होम क्वारंटाइन और दवाई देके। ये सिर्फ मीडिया ने हवा बना रखा है, कुछ नहीं है कोरोना। तो मैं बता दूं, मैं कोरोना से पता है किसके लिए दिक्कत है? सिर्फ उनके लिए जिनकी 65+ है, जिनको आते हैं, तुम्हारी मम्मी है, जिनको लंग्स वीक है, बस। और किसी, उनको बच के रहना है बस। तो मैं, मुझे हो जाए, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप ठीक हो जाएगा, बस टेबलेट खानी है अगर हो गया तो। अंकल अब जिसके जिसकी सांस की नली में वो कहते हैं वो बन जाती है पर्थ, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है बाहर के देशों में तो यही दिखाया है, जिनकी सांस की सांस नली में। की नली में नहीं, गलत समझ रहे हो। देखो सुनो मेरी बात, मैं तो यार डेली कॉन्फ्रेंस वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, एक एक दो दो घंटे की डेली, इसके नॉलेज बढ़ती रहे। कुछ नहीं है, जिनको ना एलर्जी की दिक्कत रहती है ना, एलर्जिक राइनाइटिस बीमारी होती है, वो तुम्हें नहीं है, साइनोसाइटिस पुरानी। उनको क्या होता है, नाक से लेके और लंग्स तक ना, ये अब इन्हीं शुरू से बीमारी है, हमेशा एलर्जी रहती है। तो उनको ना वायरस चिपकता रहता है और एक परत बना देता है अंदर तक, फिर वो परत से सांस की कैविटी में, लेकिन वो लाखों में किसी एक को होता है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। वो तुम्हारे घर में किसी को नहीं, मुझे पता है, मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ, समझ गए? अच्छा, ऐसे नहीं परत बनती, जिनको ऑलरेडी ये इस तरह की एलर्जी राइनाइटिस की बीमारी है ऑलरेडी, सिर्फ उनको हो रही। मैं वही तो कह रहा ओके। हूँ, ये जो व्हाट्सएप पे और न्यूज में आ रहा है, इनएडिक्वेट नॉलेज दे रहे हैं, कंप्लीट कोई नहीं दे रहा है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ओके, तो बिल्कुल। परसों से सारा कुछ कंप्लीट लॉकडाउन खोल ही रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है। अरे यार पता है क्यों खोल दिया है? रीजन है इसका, देखो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, ठीक है ना। इसको सिर्फ आपने अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखोगे ना, कब तक लॉकडाउन करेंगे? इम्यूनिटी मेंटेन रखना है। और ये अब जो कोरोना अब आ गया ना, अब चल रहा है जो, ये बहुत लो लेवल का है, अच्छा, जो बड़े लेवल का था वो खत्म हो वो चुका खत्म हो गया। मतलब उसकी जो कहते हैं ना घातकता, है। मरने की शक्ति कमजोर हो गई है, मतलब वायरस कमजोर पड़ गया है बहुत बहुत सारा है, लेकिन वायरस की ना पावर कम हो गई है। तो लोग मरने के तो बहुत ही कम केस हो रहे हैं। अब क्या ओके, चक्कर है, जैसे कोई लोग हार्ट अटैक मर गया, कोई अस्थमा से मर गया, खबर हाँ ये जी, फैली जाती है माहौल में, हाय जी कोरोना से मर गया, असलियत किसी को नहीं पता। अब जब ओके, कोरोना नहीं था, तब भी जो परसेंटेज थी मरने की दिल्ली में और इंडिया में, लाख रोज के हिसाब से लाख लोग मरते थे। अब वो लाख भी मर रहे हैं तो कोरोना, समझे मेरी बात? तो ये सब ना हौच पौच हो रहा है। अभी मैं, अभी तुम्हारा फोन भी जब वो तुम कर रहे थे, मैं कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, आजकल मिल तो सकते नहीं है, हाँ उसमें जी, ये हाँ क्या हम जी, डिस्कस कर रहे थे, सारे कम से कम 50 डॉक्टर थे, बाकी 10 दिल्ली के, तो वही डिस्कस है। लोगों में ना गलत फहमी हो रही है, मीडिया फैला रहा है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं है। आपने रात को हल्दी डाल के दूध पीना है, ये अमेरिका भी ओके, कह रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी है, दिन में 3 से 4 बार तुलसी का पत्ते मुंह में रखने हैं, ठीक है, आंवला खाओ या आंवले का मुरब्बा खाओ, विटामिन सी के थे, नींबू पानी दिन में 5-7 बार पियो, तुम्हारे अंदर विटामिन सी चला गया, तुम्हारी इम्यूनिटी बन गई, कोरोना के कोरोना का बाप भी तुम्हारे पास आएगा ना। एक बार बता, मैं डेली 150 पेशेंट देखता हूँ, सबसे अधिक तो मेरे को है, सोच रहा है मेरे को सबसे रिस्क है, हाँ वो तो मुझे है पता है ही। ना कैसे करना है। मैं 2 घंटे वॉक करता हूँ डेली, मैं वहां से आता हूँ, अब मैं 6 से लेकर 8 बजे तक वॉक करता हूँ, अच्छी वॉक करता हूँ, फिर खाना खाया मैंने, अब मैं दोबारा वॉक कर रहा हूँ, हाँ वो तो क्योंकि पता मुझे ही पता है चल वॉक करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जो मैं तुम्हें बताया वो खाते रहो। मैं कहा कोरोना मेरे पास आ भी जाएगा ना, तो मेरी एंटीबॉडी मार के भगा देंगे इसको, जो जो आप लेकिन बता रहे हो, जो पता नीम का पत्ता जो बता रहे हो, नीम का पत्ता बता रहे हो किसका? नहीं, पत्ता का पता है, वो तुलसी। तुलसी बहुत, तुलसी तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है इसमें, तो ये इसे अगर चबाना नहीं है, मुंह में चबाना तो है, चबाना। अच्छा, अगर तुम उसको नहीं चबा सकते, तुलसी अर्क आते हैं, तुलसी ओके, अर्क वगैरह आता है रामदेव वगैरह का, वो आप लो और उसके 5-6 बूंद आप अपना पानी में या दूध में डाल के डेली लो, बच्चों को पिलाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। देखो ओके, कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, कोरोना किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, इस टाइम तुम रोड पे से 100 लोग उठाओगे ना, जिनको खांसी जुकाम नहीं है, उसमें 80 को कोरोना मिलेगा, उनको पता भी नहीं है, वो आ भी गया और ठीक भी हो गए, तुम्हें पता ही लगेगा, क्योंकि उनको खांसी नहीं, टेस्ट नहीं करा रहे, शायद मुझे भी हो, शायद तुम्हें हो, अभी किसी को नहीं पता। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखो, 5 दिन बाद अपने आप ही गायब हो जाता है, तो ये समझ लो, तुम डरो मत बिल्कुल भी, इम्यूनिटी अच्छी ठीक रखो बस, अब है ना। पानी खूब ठीक पियो, नींबू पानी बनानी में बार बार बना बना के दे, नींबू पानी, चिल्ड पानी ठीक कम से कम पियो, नॉर्मल टेम्परेचर पानी पियो या थोड़ा सा मिक्स कर लो बस, चिल्ड नहीं पीना पानी, इस ड्रिंक तरह का रखना है तो हफ्ते में दो एक दो एक दिन ही करती कोई। मैंने हाँ एक तो एक देखो, हफ्ते में एक बार डजंट मैटर,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिमिट में करोगे, लेकिन डेली करोगे तो उसकी उससे क्या होगा, कोरोना नहीं बढ़ेगा लेकिन आपकी ना इम्यूनिटी कम हो जाएगी बॉडी की। हाँ, वो इम्यूनिटी के चलते इम्यूनिटी रखनी है, मेंटेन यार, ये समझ आ गया मुझे कोरोना से इम्यूनिटी रखनी है। अब मेरे ग्रुप के 90% डॉक्टर डर के बारे बंद करते हैं, मैं डेली देख रहा हूँ और सबसे ज्यादा ही देख रहा हूँ शायद दिल्ली में, मेरे साथ कोई पेशेंट नहीं देख रहा होगा, मैं अपनी बड़ी बात नहीं कह रहा, सारे डॉक्टर कह रहे तो इतने देखता है, तो मुझे फंडा समझ आ गया यार, कुछ नहीं होगा ऐसी मेरे को फंडा समझ आ गया। सबसे बड़ी बात है ना, आप इंटेलिजेंट भी तो नहीं, नहीं इंटेलिजेंट बात नहीं है, चीजों को समझ, देखो एक बात बता, पकड़ वो, हाँ, अगर मुझे पता हम है। अगर बैठ जाएंगे, देखो भगवान कसम मैं इसलिए नहीं बैठा, मुझे कमाना है फ्रेंकली, मैं कम से कम 30 पेशेंट फ्री देख रहा हूँ, तो पता है मेरे भी कैसे एरिया यार, अगर हम इस टाइम डर के बैठ जाएंगे तो कोरोना के अलावा जो सारी बीमारियां हैं, मरीज जो आ रहे हैं उनका होगा क्या? तो मेरे पास 20 साल से मरीज आ रहे हैं, हम उनको ट्रस्ट है बेचारों के, मेरे अलावा कहीं जाते मैं आराम से सो जाऊं घर पे, भगवान ने बहुत पैसा दिया, नहीं भी करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि इस टाइम हमें धोखा नहीं देना चाहिए मरीज। मैं सबसे डॉक्टर फ्रेंड्स को बता रहा हूँ, मैं कह यार चल क्या तुम कैसे भी जाओ, पेशेंट तो देखो अपने, वो किस पे डिपेंड होंगे, सरकारी वाले धक्के मार के भगा रहे हैं, मरीज जाए तो जाए कहाँ। अब मेरे पास इस चक्कर में रानीबाग पीतमपुर को पता है हॉस्पिटल खुला हुआ, वहां देख लेते हैं, एक मन को तसल्ली भी होती है यार। हाँ बिल्कुल, तो फिर पापा के पास साथ परसों आपके पास क्या, पापा क्या हो गया? पापा कह रहे हैं पैर में पानी भर रहा हुआ है, किसी ने बताया डॉक्टर ने, पापा परसों तरसों गिर गए थे तो वो गुम चोट लगी है, पापा मलवाने वाले पे गए। अरे यार मलवाए मलवाए बिल्कुल ना, एक पैर पे दोनों पैर पे, एक पैर पे परसों गिर गए थे ना वो कोई पत्थर से, घुटने पे है या एंकल जॉइंट पे, कहाँ हुआ है अंकल मुझे नहीं पता, मैं देखने भी नहीं गया घर पे, मैं बाहर काम करो, अभी मेरे को पिक भेजो मैं देख के बताता हूँ क्या है, तो मैं कल भेजूंगा, पापा तो सो गए। हाँ कल भेजना, कल भेज के बताता हूँ, तो मैं फोन पे बता दूंगा, नहीं आना पड़ेगा ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा, नहीं तो मैं फोन पे समझा दूंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, कोरोना के अब कोई डरे नहीं बिल्कुल भी। अरे नहीं डरना यार, पता नहीं क्यों लोग डरे हुए हैं, ठीक बिल्कुल मत डरो, नहीं अब वही करूंगा, हल्दी वाला दूध पियेंगे और इम्यूनिटी बढ़ाओ, मैं एक ही फंडा है इम्यूनिटी बढ़ाओ, कहते ना आपकी आपकी सुरक्षा आपके हाथ में भैया, वॉक किया कर आशीष बता रहा, मैं चलो वॉक करनी चालू कर दूंगा, बहुत जरूरी है यार, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा, गली गली से बाहर निकलो हर जगह पोस्टर लगा हुआ है कोरोना पॉजिटिव हो, यार ये तो लोगों में है, कोरोना हवा में नहीं है भाई, हवा में थोड़ी है, इट इज नॉट एन एयरबोर्न इन्फेक्शन। कोरोना का मरीज आपके ऊपर खांसे खाने और आंख में मास्क नहीं बैठा जब तक फूक के ड्रॉपलेट आपके अंदर नहीं जाएंगे, कोरोना नहीं होता, ये समझ लो सब लोग, नहीं समझ पा रहे लोग, नहीं होता कोरोना से। अब इम्यूनिटी में तो नहीं है ना, जैसे ये कहते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा था, ह्यूमन टू ह्यूमन भी नहीं, अभी तभी भी नहीं हुआ, ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे हुआ था, मेरी बात समझो, सपोज मुझे कोरोना है ठीक है जी, मैंने खांस दिया, आपने मास्क आपके पास पहुंच गया पहला, दूसरा सपोज मुझे कोरोना है, मैंने खांसी की, मेरे हाथ पे वो कीटाणु चिपके रह गए 7 घंटे तक, वो हाथ मैंने आपसे मिलाया, वो हाथ थोड़ी देर बाद आपने अपने मुंह पे रख लिया, ये नाक पे ऐसे जाता है चिपकने से, अगर आप तब क्यों कहते हैं बार बार हाथ धोने का, अगर बाई चांस आपने कोरोना वायरस से हाथ मिला भी लिया और आपने हाथ धो रखे हैं बात होती है, तो आपका नाक में दो तीन रूट है बस, मुंह नाक और आंख, अगर वो हाथ बार बार धोते रहे तो कोरोना कैसे जाएगा आपके अंदर, हवा में नहीं है ये समझो यार, हवा में नहीं है, टच करके भी, टच अगर आप हाथ वो नाक पे रखोगे मुंह तब एंटर करेगा, ओके समझ गए, ये फंडा नहीं पता लोगों को, डॉक्टर को भी नहीं पता, साले पागल बना रहे बिल्कुल, टच से कुछ नहीं होता, तुम गले भी लग जाओ कुछ नहीं होगा, जब अगर आपने किसी कोरोना को टच कर लिया, इसलिए कहते हैं किसी भी अननोन बंदे से आप मिलो ना, आप सैनिटाइज यूज करो तुरंत, साला कोरोना पे तो भी नहीं आएगा, ठीक बात समझ गए ना, मैं समझ गया, और कुछ नहीं करना, तुम बाहर वॉक करो, पार्क भी खुल गए अब तो, पार्क में जाओ वॉक करो भाई, इस टाइम वॉक इतना जरूरी है, जिस आदमी ने वॉक कर लिया समझ लो उसकी इम्यूनिटी 5 टाइम्स बढ़ जाती है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ गई तो कोरोना वोना आता रहे साला, खुले आम घूमो कुछ नहीं होता। सही सही सही, तुम पता है हम यहाँ पर हैं अपने, हमारा फार्म हाउस है फ्रेंड का यहाँ पर 17 सेक्टर में, हम डेली एक दिन तो मैं 6 से 8 खेलता हूँ, सुबह हम 7 से लेकर 9 बजे तक, उसमें 3 तो SHO है, एक तो मेरे एरिया का है, 3 मेरे फ्रेंड है, 2 ACP है, एक समय पर बाल दी भाटिया, 1 ACP और 5 डॉक्टर, हम 15 लोग और वो 5 वैसे हैं, हम 15 लोग डेली 6 से 8 क्रिकेट खेलते हैं भयंकर, आप देखो बॉल भी जाती है, हम हाथ भी लगाते हैं, हाँ, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे, सबको फंडे पहले समझा दिए, डेली खेलते हैं 6 से 8 सुबह सुबह, 2 घंटे विग्रस क्रिकेट खेलते हैं, और तुम जैसे लोगों पे हंसते हैं, लोग कितने बेवकूफ है, बुरा मत मानना ये बात बता रहा हूँ मैं, तो कितने बेवकूफ हैं, डर रहे हैं, हम खुलेआम खेल रहे हैं, लगातार जब से शुरू हुआ है लॉकडाउन, हमने फार्म हाउस बंद कर दिया, अंदर से लॉक कर दिया,
काम तो है नहीं फार्म हाउस में, बहुत बड़ा ग्राउंड है, हम क्रिकेट खेलते हैं, अपने बच्चों को ले जाता हूँ, वो अपने बच्चों को ले जाते हैं 15-20 लोग के, बकायदा क्रिकेट खेलते हैं कॉस्को की वजह से। तो हम भी तो मिसगाइड ही हो रहे हैं ना, जो ये मिसगाइड हो रहे हैं लोग, मीडिया ना बरगला रही है। जैसे आपकी बात हुई है मेरे से, अब मेरे अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग अपने आ जाएगी। मेरे को टाइम इसी लग रहा है, मैं अपने पेशेंट को भी दवाई से ज्यादा काउंसलिंग कर रहा हूँ, जो लोग नहीं करते अवेयरनेस, हम लोग अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे ना सोसाइटी में तो लोग और डर रहेंगे। मैं मेरे मैक्सिमम पेशेंट बात करके इतने खुश, डॉक्टर साहब आज हम तसल्ली हो गई कोरोना के बाद भी, मैं अवेयरनेस समझा रहा हूँ। मैं कहा तुम भी 10 लोगों को बताओ, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ आशीष और 10 लोगों को बताओ, ताकि हमारी सोसाइटी यार हमारी सोसाइटी में ये जो फेक न्यूज फैल रही है ना छूने से जी और ह्यूमन टू ह्यूमन, दिस इज ऑल रॉन्ग, सब गलत। हम एक महीने से रेगुलर खेल रहे हैं क्योंकि हमें पता है यार पूरे दिन धूप से पार्क सारा सैनिटाइज हो गया, वो बंद रहता है, हमें पता है। हम मैं फंडे में समझाता हूँ, एसीपी साहब कहते हैं यार डॉक्टर साहब एक बात बताओ यहाँ क्या कोरोना आ जाएगा, मैं कहा कोई आदमी आया रात को, मैं कहा नहीं, मैं कहा शाम तक धूप कितनी थी कि बहुत तेज, मैं कहा धूप से बढ़िया सैनिटाइजर को है नहीं, मैं पूरी जमीन को सैनिटाइज कर दिया। ओके जरा बात तो सही है यार, मैं कहा फिर सोचो ना, और यहाँ कोई आता नहीं है, हम ही खोलते हैं रात को, जो दोस्त है मालिक उसका मालिक वो खोलता है, हम सब आते हैं खेल के चले जाते हैं, अब सब डेली आते हैं हम खेलने और खूब इंजॉय करते हैं। एक महीना हो गया, इम्यूनिटी बढ़ रही है, गप्पे भी आती है और डर खत्म हो जाता है। तो आप डर निकालो, लोगों जो जो मिले उनको ये सब बातें बताओ भी सोसाइटी की हेल्प के लिए। ओके ठीक है, बाकी पापा के मेरे को भेज देना कल।